नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रोसेरा रूटिंडिफोलिया, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में। ये जो मेडिसिन है, इसका सोर्स क्या है, किस चीज से बनाई गई है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है और इसका मेन एक्शन किस ऑर्गन पर होता है, किस आपके शरीर के पार्ट पर होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आपको अगर डिटेल में कंसल्टेशन करना है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो ड्रोसेरा रूटिंडिफोलिया ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन किस चीज से बनाई गई है? तो ये मेडिसिन जो है ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। कॉमन संड्यू ये एक प्लांट है, उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाई गई है। तो ये मेडिसिन जो है, ये प्लांट जो है, इसके कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि एंटी इंफ्लेमेटरी है या फिर एंटी स्पैस्मोडिक प्रॉपर्टीज इस प्लांट के होते हैं। तो उस प्लांट से ये मेडिसिन जो है ये बनाई गई है। तो ये मेडिसिन खासकर क्या करती है कि अगर आपको ट्यूबरकुलर डिसीजेस है या फिर क्षय रोग जैसी बीमारियां है, खासकर आपको फेफड़ों का ट्यूबरकुलोसिस है या फिर हड्डियों का ट्यूबरकुलोसिस है या फिर ग्लैंडुलर ट्यूबरकुलोसिस है, ग्रंथि का ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये मेडिसिन उस ट्यूबरकुलोसिस में अगर आप पेशेंट्स को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो ये मेडिसिन खासकर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है, श्वसन संस्था जो होती है, उस पर एड करती है। तो उस पर एड करके क्या क्या सिम्टम्स पैदा करती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वो देती है, तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पर एड कर पहले तो खांसी यानी कि ऊपिंग कफ पैदा करती है। काली खांसी के लिए ये मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक चलने वाली जो खांसी है, एक बार आपको खांसी आ जाती है तो आपको वो खांसी जो है वो लंबे समय तक के लिए चलती है, बहुत ज्यादा खांसना पड़ता है, वो एपिसोड जो है खांसी का वो बहुत देर तक चलता है। खांसते खांसते क्या होता है कि पेट में दर्द भी महसूस होता है, इतना आप खांसते रहते हो, और खांसते खांसते उल्टी भी हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है ड्रोसेरा मेडिसिन के। तो अगर किसी को ओपिंग कफ है या फिर खांसी जो है वो पीरियोडिकली है और लंबे समय तक के लिए वो एपिसोड रहता है तो ये मेडिसिन देते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट इतना खांसता है कि उसके नाक से भी खून आता है, इपिस्टेक्सिस हम जिसे बोलते हैं। इसके साथ क्या होता है कि लैरिंग्स जो होता है, स्वर यंत्र जो रहता है, तो उसमें आपको फीदर जैसी सेंसेशन है, जैसे कि पंख जैसी सेंसेशन है, कोई कीड़ा जो है वो उधर आपके स्वर यंत्र पर चल रहा है यानी कि क्रॉलिंग कर रहा है, ऐसा अगर आपको सेंसेशन होता है, आपके स्वर यंत्र में आपको गुदगुदी महसूस होती है, इरिटेशन होता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, उस वक्त ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जैसे ही पेशेंट सोता है, सोने जाता है और उसका सिर जो है वो बिस्तर को या फिर उसके तकिए को टच होता है तो उसकी खांसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये खांसी रात के वक्त बहुत ज्यादा होती है, दिन में ऐसा उसको सिम्टम्स ज्यादातर महसूस नहीं होते, बट रात के वक्त अगर वो सोने जाता है और उसका सिर सिर्फ पिलो को टच कर देता है, तकिए को टच कर देता है, तो उसकी खांसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे परेशानियों में ये मेडिसिन ड्रोसेरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी अगर खांसी कुछ तकलीफें हैं तो। इसके साथ उसका आवाज जो है वो बहुत ज्यादा कर्कश होता है, सुनने में उसका आवाज बहुत कर्कश होता है और बोलने में उसको कठिनाई होती है, बोलने में उसको परिश्रम लेने पड़ते हैं, बात वो जल्दी से नहीं कर पाता है। खांसते खांसते उसको क्या होता है कि येलोइश एक्सपेक्टोरेशंस रहते हैं, बलगम जो है वो येलो कलर का पीले कलर का रहता है और उस बलगम में खून भी आता है। तो अगर येलोइश एक्सपेक्टोरेशन है और उसके साथ खून है, ब्लड है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। उसका जो खांसना है वो कैसे बढ़ता है, जब वो कुछ गाना गाता है या फिर बात करता है तो उस वक्त उसकी खांसी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बात करते करते उसको तुरंत अस्थमेटिक अटैक आ जाता है, मतलब वो अगर किसी से बात कर रहा है तो उसकी सांस जो है वो तुरंत फूल जाती है, तो ऐसे अगर अस्थमेटिक अटैक उसको आते हैं और खास बोलते बोलते उसकी खांसी बढ़ जाती है या फिर गाना गाते ही उसकी खांसी बढ़ जाती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सिम्टम्स बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। इसके साथ ये मेडिसिन जो है लारेंजाइटिस और जो भी तकलीफें हैं, थ्रोट इरिटेशन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो ये मेडिसिन जो है हम दे सकते हैं।
इस मेडिसिन के पेट के रिलेटेड भी कुछ सिम्टम्स है। जैसे ही पेशेंट कुछ फैटी फूड खा लेता है, बाहर का कुछ खा लेता है, तो उसको नौशिया जो है वो महसूस होता है, मचलाहट जो है वो महसूस होती है। इसके साथ सार फूड यानी कि खट्टी चीजें खाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खा लेता है तो उसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, या फिर कुछ सॉलिड फूड जो रहता है वो उसको निगलने में तकलीफ होती है। तो ऐसे कुछ पेट के रिलेटेड उसके सिम्टम्स है। इसके साथ एक्सट्रीमिटीज पर भी ये मेडिसिन एक्ट करता है। ये क्या करता है कि अगर कोई राइटर है और लिखने का उसको बहुत ज्यादा काम है तो उसके हाथ में बहुत ज्यादा क्रैम्प आ जाते हैं, जिसे हम राइटर क्रैम्प भी बोलते हैं। तो राइटर्स क्रैम्प के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसके साथ वो जब भी बेड पर सोने जाता है तो उसको वो बेड जो है वो बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि उसकी एक्सट्रीमिटीज उसके हाथ पाव जो है वो बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। रात के वक्त क्या होता है कि जो लॉन्ग बोन होते हैं, स्पेशली जो ह्यूमरस है या फिर फीमर है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द उसको महसूस होता है। ये एक इस रेमेडी का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। तो ऐसा दर्द उसको अगर महसूस होता है सोते वक्त, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसके साथ हमने बात की कि ये जो मेडिसिन है ये ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आपको अगर फेफड़ों का ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है, हड्डियों का ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ अगर सायटिका भी है तो सायटिका में भी ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। आपकी जो रीढ़ होती है, स्पाइन जो होती है, तो स्पाइन की जो हड्डियां है उसका अगर केरीज हो जाता है तो इसमें भी ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। माइंड के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पेशेंट को अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो अकेला रहता है तो वो डर जाता है, नर्वस हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है, और उसकी चिड़चिड़ जो है वो बढ़ जाती है। जैसे ही वो अकेला हो जाता है, अलोन हो जाता है, तो रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी जो है उसकी बढ़ जाती है, और फ्रेंड्स के बारे में वो सस्पिशियस रहता है। इसके साथ वो एक बात पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। अगर किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उस बात पर नहीं रख पाता है, और वो रैपिडली वो सब्जेक्ट जो है, बातें जो है वो चेंज करता रहता है। तो ऐसे अगर माइंड के सिम्टम्स है और उसके साथ उसको ट्यूबरक्यूलोसिस के सिम्टम्स है, या फिर खांसी है, ऊपिंग कफ है, तो ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक मेडिसिन के हमने देखे कि मोडालिटीज रहते हैं, तो इस मेडिसिन के भी मोडालिटीज है। इस मेडिसिन के जो एग्रेवेशन एमोलरेशन सिम्टम्स है, तो ये मेडिसिन जो है इसमें पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो कब बढ़ जाते हैं, तो मिडनाइट के वक्त, स्पेशली मिडनाइट जब होती है, मिडनाइट के बाद उसके सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो जैसे ही सोने जाता है तो उसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। बेड की जो गर्मी है उससे उसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। एक्सट्रीमिटीज जो है, हाथ पांव जो है वो दर्द करने लगते हैं बेड की गर्मी से, और बेड जो है उसको बहुत ज्यादा हार्ड महसूस होता है। इसके साथ जब बातें करता है तो खांसी बढ़ जाती है, कुछ ठंडा ले लेता है तो उसके साथ ही उसकी खांसी बढ़ जाती है, हंसने पर भी उसकी खांसी बढ़ जाती है, और जब गाना गाता है तब भी उसकी खांसी जो है वो बढ़ जाती है, और सार थिंग्स भी उसको पसंद नहीं है, और सार थिंग्स लेने से उसके सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। तो हम बात करेंगे इसके मोडालिटीज में एमोलरेशन किस चीज से होता है, उसको अच्छा कब लगता है। तो वो अगर ओपन एयर यानी कि खुली हवा में जब वो जाता है तो उसके सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ड्रोसेरा, उसके बारे में हमने बात की। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको अगर डिटेल में कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।